जोहार दोस्तों, मैं विपिन महतो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JTET 2012 में जो पेपर टू में पूछे गए थे सोशल साइंस से प्रश्न। दोस्तों, उन प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो 6 to 8 मतलब अपर प्राइमरी लेवल के लिए पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं JTET से रिलेटेड दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर JTET से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं दोस्तों। और JTET के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस भी करवाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, JTET 2012 में पेपर टू में जो पूछे गए थे 6 to 8 के लिए सोशल साइंस में प्रश्न, दोस्तों उन प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आप में धैर्य होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखोगे, ताकि आपके आगामी परीक्षाओं में यह वीडियो काफ़ी लाभदायक साबित हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहला सवाल जो JTET 2012 में पूछा गया था दोस्तों सोशल साइंस से, वो सवाल था गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? ऑप्शन ग हमारा सही होगा दोस्तों, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा की। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान किसका आंदोलन नहीं करता? भारतीय संविधान जो है दोस्तों किसका आंदोलन नहीं करता? निरंकुशता का, निरंकुशता का आंदोलन नहीं करता। नेक्स्ट सवाल देखिए पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशोक के परदादा ने, अशोक के दादा ने, अशोक के पिता ने, या फिर अशोक ने? इसका सही आंसर होगा देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी, अशोक के दादा ने, अशोक के दादा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी निश्चित की जा सकती है, एक देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी निश्चित की जा सकती है, उच्च मूल्य हो, सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन हो, सभी व्यक्तियों के पास भोजन खरीदने की क्षमता हो, भोजन प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध ना हो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ख, सभी व्यक्तियों के भोजन, सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन हो। नेक्स्ट देखिए, ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली यामोंतर रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, या फिर 45 डिग्री देशांतर? इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोंतर रेखा 0 डिग्री देशांतर होती है। नेक्स्ट देखिए, जीविका के लिए उत्पादन को व्यवस्थित करने हेतु आवश्यक है भौतिक पूंजी की, भू और प्राकृतिक श्रम की, मौसम की, संसाधन की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, भौतिक पूंजी की। जीविका के उत्पादन को व्यवस्थित करने के लिए भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था दोस्तों, मुगल वंश के प्रारंभिक काल में अफगानों को किस रूप में देखा जाता था? इसका सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर घ, विद्रोही के रूप में देखा जाता था मुगल वंश को प्रारंभिक काल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औजारों और हथियारों को बनाने के लिए लोग किसका इस्तेमाल करते थे? औजारों और हथियारों को बनाने के लिए लोग किसका इस्तेमाल करते थे दोस्तों? सोना और चांदी, तांबा और कांसा, मणिका और सोना, मिट्टी और चांदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, तांबा और कांसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, खेती के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था किसके द्वारा की जा सकती है? सही आंसर होगा अपनी बचत, अपनी बचत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था दोस्तों, पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे 24 घंटे समय मंडल में बांटा गया है, प्रत्येक मंडल में होता है 10 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर, या फिर 20 डिग्री देशांतर? सही आंसर होगा ऑप्शन ख, 15 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था दोस्तों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए कौन सूचना का स्रोत नहीं हो सकता है? इसका सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन ग, भोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विरसा किस जनजाति के अंतर्गत आते हैं? विरसा किस जनजाति के अंतर्गत आते हैं? उराव, संथाल, मुंडा, या फिर भील? सही आंसर होगा मुंडा, विरसा मुराव जनजाति के अंतर्गत आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा वन है?
झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा वन है दोस्तों? हजारीबाग, हजारीबाग में सबसे बड़ा वन है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कौन है? ऑप्शन ख हमारा सही होगा, एशिया महादेश। 15 नंबर जो सवाल पूछा गया था दोस्तों, भारत में असमानता किस कारण से होता है? प्रतिष्ठा, मौद्रिक स्तर, जाति और लिंग, लोगों की धर्म। सही आंसर होगा देखिए, जाति और लिंग। भारत में जो असमानता है दोस्तों, जाति और लिंग के कारण। क्वेश्चन 16 देखिए, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां अधिकतम गर्मी प्राप्त हो कहलाती है? उष्ण कटिबंध, मध्यम कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध। सही आंसर होगा उष्ण कटिबंध। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां अधिकतम गर्मी प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। क्वेश्चन 17 देखिए, जो पूछा गया था दोस्तों, एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहा जाता है? जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है दोस्तों? वृद्धि दर, वृद्धि दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सोशल साइंस से दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 18, कामगारों और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है? सही आंसर होगा सरकार, सरकार निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं। एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? एक आबादी की जो गुणवत्ता है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है? साक्षरता दर पर, साक्षरता दर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, क्या कहलाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? विषुवत रेखा, विषुव समय या फिर समभुज। सही आंसर होगा दोस्तों विषुव, क्या कहलाता है? विषुव। नेक्स्ट देखिए, ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी के दौरान कितने महाजन पद थे? कितने महाजन पद थे दोस्तों? 32, 32 महाजन पद थे। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया था दोस्तों, वो है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी वुड डिस्पेज में किसकी रूपरेखा का विवरण था? शैक्षिक नीति का, वुड का जो डिस्पेज था उसमें दोस्तों शैक्षिक नीति का विवरण था। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, विविधता में एकता व्यवस्था किसने कही है? विविधता में एकता व्यवस्था किसने कही है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजशास्त्र को पढ़ने का लक्ष्य किसे नहीं है? ऑप्शन कौन सा होगा देखिए? ऑप्शन होगा हमारा डी, मीन्स बी, उन चुनौतियों का समाधान करने हेतु कार्य जो हमारा राष्ट्रीय झेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं किसकी मदद से तैयार की गई? 1326 में विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं किसकी मदद से तैयार की गई? सही आंसर होगा मिट्टी और पचोहों को साथ गूंथ कर, यहाँ साथ होगा दोस्तों, मिट्टी और पचोहों को साथ गूंथ करके विजयनगर की सीमाएं तैयार की गई थी। अटलांटिक सागर की तटीय रेखा अत्यधिक समतल है, चिकनी है, दंतु है या फिर पर्पाती है? दंतु है, दंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी निपटारा को किस महाप्रांत में लागू किया गया? सही आंसर होगा दोस्तों मद्रास, मद्रास में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेज सरकार ने भारत को आजाद कराने के संग्राम में लोगों को शामिल होने का क्या कारण था? उपनिवेश, प्रशासन से मुक्ति, पैसा कमाना, सभी में समानता या फिर निर्णय निर्धारण में हिस्सेदारी? सही आंसर होगा दोस्तों औपनिवेश, प्रशासन से मुक्ति। समाजशास्त्र में अनुदेश और मूल्यांकन छात्रों के लिए आवश्यक होता है, किताबी ज्ञान तक सीमित करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अनुशासित जांच में संलग्न होने के लिए, क्लासरूम में अतिरिक्त संसार से जुड़ने के लिए? सही आंसर है दोस्तों ज्ञान को बढ़ाने के लिए,
ज्ञान को बढ़ाने के लिए। एक अधातु खनिज का उदाहरण क्या है? एक अधातु खनिज का उदाहरण क्या है दोस्तों? बॉक्साइट, ताम्र, क्रोमाइट या फिर जिप्सम। सही आंसर होगा क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है अधातु खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था दोस्तों, 8वीं सदी में दक्षिण भारत में व्यापारी शिल्पी संघ था, क्या था दोस्तों? मणिग्रामम। क्या होगा? मणिग्रामम। ऑप्शन क, पृथ्वी का ठोस भाग जहां हम रहते हैं कहलाता है दोस्तों? स्थल मंडल। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के किस भाग में? स्थल मंडल। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन में निवेश के फलस्वरूप प्राप्त हो सकता है, क्या प्राप्त हो सकता है? समाज में बड़ा योगदान, दक्षता कार्य, बेहतर बिजनेस विचार या फिर स्कूल में बढ़ोतरी। सही आंसर होगा समाज में बड़ा योगदान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए पहाड़ी दलों को सीढ़ी नुमा आकार में काटना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सीढ़ी नुमा खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका का कार्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विवाद समाधान, न्यायिक समीक्षा, कानून बनाना, कानून और मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक अधिकारों को लागू करना। सही आंसर होगा दोस्तों कानून और मौलिक अधिकार को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, देखिए, ग्रहों, नक्षत्रों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पिंड मंगल और बृहस्पति के बीच गति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1857 के गदर के दौरान झांसी की रानी का जनरल कौन था? 1857 के गदर के दौरान झांसी की रानी का जो जनरल था दोस्तों, वो कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्र की विविधता को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा कारक है? भाषा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के शिक्षण और ज्ञानार्जन शक्तिशाली हैं जब तक वे निम्नलिखित तरह के होते हैं, सिवाय सिवाय कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए ध्यान से, देखिए आप आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में अगर आपको आ रहा होगा तो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चुनौतीपूर्ण और सक्रिय। नेक्स्ट देखिए, किस सुधारक ने विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने विधवाओं के जीवन को बदलने का जिम्मा लिया। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक सूक्ष्म स्पर्श मंडल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्यमंडल, पारिस्थितिक मंडल, अधिमंडल या फिर जीव मंडल। जीव मंडल कहा जाता है, क्या दोस्तों? जीव मंडल। अर्थव्यवस्था बदलने के साथ कौन समाज की व्यवस्था का आधार बना? वर्ण, जाति, सैनिक या फिर धन। सही आंसर होगा धन। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का जो प्रथम तुर्क शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट देखिए, एक स्लोप में बड़े पैमाने पर चट्टान, मालवा या मिट्टी खिसकने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूस्खलन। भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेरोजगारी के फल स्वरूप होता है, बेरोजगारी के फल स्वरूप क्या होता है दोस्तों? शेयर मूल्य में वृद्धि। शेयर मूल्य में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सन 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? सही आंसर होगा दोस्तों फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के द्वारा किले का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन 48 देखिए दोस्तों, किस मौसम के प्रारंभ के साथ खरीफ मौसम प्रारंभ होता है? ऑप्शन वह सही होगा मानसून। मानसून। आखिरी क्वेश्चन जो देखिए दोस्तों, सोशल साइंस में पूछा गया था, जेटेट 2012 की एग्जाम में पेपर 2 के लिए पूछे गए थे दोस्तों, और ये सभी प्रश्न अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8 के लिए पूछे गए थे। अशोक के धमा में केवल क्या शामिल था? अशोक के धमा में केवल क्या शामिल था?
पारिवारिक समस्याओं का समाधान और निर्देश। तो दोस्तों ये थे जीटेट 2012 में जो पूछे गए थे दोस्तों प्रश्न, सोशल साइंस में वे सारे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो जेटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारियाँ अगर पाना चाहते हैं जेटेट से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।